जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निभा बरबीघही और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। लोगों के स्वास्थ्य संबंधित होने वाली समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। इस कड़ी में आज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारम्भ किया गया है, जो की रोगियों के लिए काफी हितकर साबित होगा। इस डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पीपीपी मोड पर डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ किया गया है। इस डिजिटल एक्सरे के माध्यम से रोगियों को निःशुल्क एक्सरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सदर अस्पताल से बाहर इलाज करा रहे अन्य संस्थानों के मरीजों का भी एक्सरे करने का काम किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ दर निर्धारित की गई है, जो कि बाजार की दर से काफी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू हो जाने से रोगियों को काफी आसानी होगी और अपना इलाज बहुत अच्छी तरह से करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, इस डिजिटल एक्सरे के माध्यम से मरीजों को तत्काल रिपोर्ट भी मुहैया करा दी जाएगी। इस मौके पर प्रबंधक हेमंत कुमार, लेखापाल सुरजीत कुमार, अन्य लोग मौजूद थे। दिल्ली का फर्म है और ये पीपीपी मोड में काम करेगा। इसमें सभी सरकारी जितने जो इस अस्पताल से रोगी होंगे उनको ये फ्री सुविधा मिलेगी। बाहर के भी रोगी जो प्राइवेट में चाहे कराना, उनको भी सब्सिडाइज रेट पर, बाहर का जो रेट है उसके जो यहाँ जो तय किया गया रेट है उस सब्सिडाइज रेट पर उनका भी जांच एक्सरे किया जाएगा। दूसरा फायदा है कि ये डायरेक्ट रीडिंग वाली मशीन है, जो काफ़ी क्या कहते हैं नई तकनीक से लैस है। इसमें पेशेंट का साथ में उसका तुरंत जो है उसका जो है जो भी फाइंडिंग है वो मिल जाएगा और एक्सरे का जो प्लेट भी उसको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा हाथों हाथ विथ रिपोर्ट भी के लिए। पहले और सब होता था कि उसमें रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, अभी जांच कराया गया, रिपोर्ट कल मिलेगा, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ सारा रिपोर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, पेशेंट को दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सबको आज से शुरू की जा रही है। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।